ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा का बयान, यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल खत्म। संघर्ष समिति ने एक दिन पहले कार्य बहिष्कार आंदोलन को वापस लिया। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के खिलाफ की गई संपूर्ण कार्यवाही को वापस लिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री से सार्थक वार्ता के बाद बिजली कर्मियों ने 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल समय से पूर्व ली वापस। ऊर्जा मंत्री ने 3 दिसंबर के समझौते व अन्य मांगों के क्रियान्वयन तथा आंदोलन के फलस्वरूप की गई सभी दमनात्मक कार्यवाही को वापस लेने हेतु ऊर्जा निगमों के चेयरमैन को निर्देश किया जारी। बनारस के सभी बिजली कर्मियों कार्य पर वापस लौटे, जल्द से जल्द सभी खराब लाइनों को दुरुस्त करने हेतु संघर्ष समिति ने किया निर्देशित। यूपीपीसीएल चेयरमैन को कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही वापस लेने का दिया निर्देश। अन्य मुद्दों पर आने वाले समय में वार्ता के माध्यम से निकाला जाएगा हल। मैं एक बार फिर विद्युत कर्मचारियों के संगठनों का, विशेष रूप से संघर्ष समिति का, यह आंदोलन खत्म करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने कर्मचारी मित्रों को तुरंत निर्देशित करें कि अपने अपने काम पर वो वापस लौटें, और विशेष रूप से जिन जगहों पे विद्युत आपूर्ति बाधित है उन जगहों पे जाकर के, चाहे फीडर हो, चाहे सब स्टेशन हो या अन्य कोई संस्थान हो, उन जगहों का तुरंत वो नियंत्रण ले लें और तुरंत जनता की सेवा में लग जाए। मैं एक बार फिर से संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आश्वासन दिया गया? विद्युत संघर्ष समिति ने हमारे साथ पिछले कई महीनों में कई राउंड बातचीत किया है। उन बातचीत में कुछ बातें लिखी पढ़ी गई हैं, कुछ बातें लिखी नहीं भी गई हैं, लेकिन उनकी भावनाएं हैं, उनकी मांगे हैं, उन सभी बातों पे हम लोग वार्ता करके उनको सार्थक परिणाम की हद तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही वर्तमान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उन्हें भी वापस लेने का इनका निवेदन था, इनकी प्रार्थना थी, उस पर ध्यान रखते हुए मैंने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को निर्देश दिया है कि उन कार्रवाइयों को भी वापस लिया जाए। थैंक यू।